हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दर्शिल का फर्स्ट एल्बम यानी कि उसका रिकॉर्ड बुक। ये है रिकॉर्ड बुक का फ्रंट पेज। यहाँ पर मैंने दर्शिल के कुछ प्यारे प्यारे निकनेम्स हैं वो मेंशन करे हैं। ये मेरी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उसे बड़े ही प्यार से दिए गए थे। तो साथ में मैंने पेस्ट करी है अपनी तस्वीर जिसमें मैं दर्शिल को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नाउ यहाँ पर है दर्शिल की पहली फ़ोटो जो कि मैंने पेस्ट करी है, और साइड में मैंने लिखा है दर्शिल के जन्म का जो तारीख है, देर आफ्टर उनका प्लेस है जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और साथ में मैंने टाइमिंग भी मेंशन करी है। यहाँ पर दर्शिल के 6ठे और 12वें दिन की तस्वीर है जिसमें वे अपने मम्मी पापा के साथ में हैं, और दूसरी ओर है विजिटर्स की कुछ डिटेल। इनके फ़ोटोज़ मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और मैं बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शिल का फर्स्ट एड्रेस एंड उनकी फैमिली ट्री बनानी है। तो इन सभी लोगों के फ़ोटोज़ मैं कलेक्ट करने में लगी हुई हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि ये अभी ऑलमोस्ट ही कंप्लीट है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर है दर्शिल के फन बात की तस्वीरें। वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा है, डेट भी मेंशन किया है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर दर्शिल है अपनी नानी माँ के साथ में। ये उनके 12वें दिन की तस्वीर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चैन की नींद के साथ सो रहे हैं मेरे दर्शिल, और यहाँ पर मैंने मेंशन करा है कि वह रात भर में कितनी बार जागता है। यहाँ पर है सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मेरे दर्शिल के हैंड प्रिंट्स और फुट प्रिंट्स। इसे मैंने हल्दी की सहायता से उनसे बनवाया था। आई होप कि आपको ये पसंद आया। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर था फर्स्ट फूड के बारे में मेंशन करना, तो मैंने अनपरासन की तस्वीरें पेस्ट की हैं। साथ में उनका जो फर्स्ट फूड था वो खीर था, तो मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, और आप सभी के साथ तो वीडियो भी शेयर किया है। आई होप कि आपने उसे देखा है। यहाँ पर दर्शिल की फ़र्स्ट आउटिंग है किसके साथ में है, और साथ में मैंने एक स्पेशल मेंशन किया है, दर्शिल है मेरी पसंदीदा जगह पे बैठे हुए हैं हमारे घर के पीछे जो शिवालय है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर दर्शिल की ये तस्वीर मेंशन करी है। और यहाँ पर है दर्शिल का फर्स्ट टूथ कौन सा था वो मेंशन करा है। आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी फ़र्स्ट हेयर कट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो ब्लैंक है क्योंकि अभी हेयर कट हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर दर्शिल ने कब फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट करी, कब क्रॉलिंग स्टार्ट करी है, कब खड़े हुए हैं और कब वॉकिंग स्टार्ट करी है, सारे डेट्स जो है वो मेंशन हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर है उनकी पहली जन्मदिन की तस्वीर, ये जन्मदिन कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, और कुछ तस्वीरें, कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि दर्शिल ने रिसीव किए थे, मैंने उसे भी मेंशन करा है। इसके साथ ही जो भी फ़ोटोशूट मैंने दर्शिल के किए थे उसके कुछ क्यूट क्यूट से फ़ोटोज़ यहाँ पर पेस्ट करे हैं ताकि ये रिकॉर्ड बुक थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए और दर्शिल के लिए स्पेशल बन जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर है दर्शिल के फर्स्ट हॉलीडे की तस्वीर, तो अभी वे हॉलीडे पर गए नहीं हैं। और यहाँ पर है उनकी फ़र्स्ट ड्राइंग की तस्वीर जो कि मैंने अभी तक नहीं बनवाई है उनसे। और यहाँ आप देख सकते हो दर्शिल की स्वीट सी स्माइल। यहाँ पर है इस रिकॉर्ड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पेज, यहाँ पर दर्शिल के सारे वैक्सीन्स जो उन्हें मिल चुके हैं डेट के साथ में मेंशन है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट फ्रेंड्स कौन से हैं दर्शिल के वे भी अभी मेंशन करना बाकी है। इसके साथ ही इस ग्रोथ चार्ट को भी कंप्लीट करना बाकी है। ये बड़ा ही प्यारा रिकॉर्ड बुक है। इस तरह के कई रिकॉर्ड बुक आप देख सकते हो ऑनलाइन, आप अपने स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ में जा सकते हो और अपने पसंद के रिकॉर्ड बुक को परचेज कर सकते हो। आप अपने बच्चे के फर्स्ट ईयर में इन सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करें और एक प्यारा सा एल्बम तैयार करें, उसका फर्स्ट एल्बम तैयार करें और उसे उपहार स्वरूप दें। ये बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा यूनिक भी है। मैंने ये छोटी सी कोशिश करी है। मैं बता दूं कि मैं क्राफ्ट्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश करा है कि मैं इसे अच्छे से अच्छे तरीके से और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दूं कि मेरे दर्शक को ये पसंद आए। आई होप कि मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।